तो हीरो से बड़ा मेरा लंका यादव ही फिल्म में। वैसे भी इंडस्ट्री में इससे बड़ा विलन तो कोई है नहीं, और लंगटाई में तो खैर नाम जाना माना पहचान है उनका, अवधेश जी का। और एक्चुअली जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि किसको करा सकता हूँ ये कैरेक्टर, क्योंकि बड़ा ही वो डिफरेंट और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर था, जो कभी हंसता भी है, अचानक से गुस्सा भी हो जाता है, अचानक से किसी को मारने भी बैठता है, और वो कभी बैठ के वो कुछ कुछ खेलने भी लगता है, तो अजीब सा कैरेक्टर है। तो लिखते वक्त एक ही दिमाग में आया था कि वो अगर कोई कह सकते हैं तो मेरे, चूँकि मैं जब असिस्टेंट था तो इन्होंने बोला भी था कि चंदन जब अपनी फिल्म पहली करना तो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं लिखते वक्त एक दिमाग में था कि भैया को कराना है मुझे। तो और जब मैंने इनसे बोला तो बोला ये मुझे मेरे लिए खुशी की बात है कि तू पहली फिल्म कर रहा है, तो इतना सपोर्ट उन्होंने इस फिल्म के लिए किया, और आज जो फिल्म का क्वालिटी है या लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न अवधेश भैया भी हैं, और इन्होंने बहुत फिल्म को लेकर मेहनत किया, बहुत चैलेंजिंग जो कैरेक्टर था उनको प्रॉपर परफॉर्म किया। इनको कौन नहीं जानता है, भोजपुरिया का नाम से इकलौता भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रसिद्ध कोई आदमी है तो यही है, पूरी इंडस्ट्री इनको काका कहती है, पूरी इंडस्ट्री को काका कहती है, और यही है वो सब। अच्छा काका इतने यंग दिखते हैं, ये तो क्वालिटी है बहुत, पब्लिक का प्यार है, कलाकारों का सेवा करते करते इतना काका लोगों ने कहा दिया ना कि बोले काका दिखूंगा नहीं, मैं भैया ही बनकर रहने वाला हूँ। आपके दूनी उम्र के लोग आपको काका कहते हैं, ये सौभाग्य है, और काका का मुझे नाम उपनाम इस इंडस्ट्री से मिला है, ये अपने भोजपुरी श्रोता का दिन है, आप सब मीडिया का दिन है। मैं कलाकारों के सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरे हाथ से जो भी कलाकार के लिए अगर कुछ भला होने लायक होता है तो एक ईश्वर का जरिया हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ करूँ, और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं भला करूँ। सारे खूबसूरत हीरोइने आपको काका कहते होंगे, बिल्कुल सारे हीरो से लेकर सारे हीरोइने और सारी समाज पूरी इंडस्ट्री हमें भोजपुरिया काका से पुकारती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कलाकारों का काका अगर कहा जाता है तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या है। पत्नी को कभी कुछ बुरा नहीं लगता कि आपको घर के बाहर सब लोग काका काका बुलाते हैं, उनको काकी काकी नहीं, कभी 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 मुझे घर से ऐसा कुछ नहीं, घर वाले भी खुश रहते हैं कि चलिए आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कलाकारों के प्रति एक सद्भावना और प्यार आपने बांटा है कि सब लोग आपको काका के नाम से पुकारते हैं। एक 14 सेकंड की क्लिप आ रही है, काका बोलती है हाँ, सब प्रियंका पंडित जी हो या कोई भी हो, हर कोई मुझे भोजपुरिया काका। आपको एतराज नहीं है? क्यों एतराज होगा, कौन सा मैंने उनका खेत काटा है कि एतराज होगा, उन्होंने मुझे पुकारा है, काका बोला है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक 14 सेकंड की क्लिप वायरल हो गई थी पिछले दिनों, भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद के दौर से गुजर रही है खेसारी लाल का, और उसके बाद बहुत सारे लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा कि खेसारी ने बहुत गलत किया है, आपको लगता है उन्होंने गलत किया है? मैं खुद जब वो वीडियो देखा था तो मैं खुद उनके अगेंस्ट था, और मैंने भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, क्योंकि 14 सेकंड का जो कोई देखेगा वीडियो तो जरूर बुरा लगा था। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर खेसारी जी को फ़ोन करके बोला था कि भाई अगर आपने ऐसा बोला है तो गलत बोला है, क्योंकि भोजपुरी के लिए हम लोग भी जीते हैं और हम लोग भी समर्पित रहे हैं। तो बाद में उन्होंने मुझे भेजा, बाद में जो मुझे वीडियो भेजा ना, पहले फर्स्ट का और लास्ट का मैंने पूरा वीडियो देखा, तो खेसारी भाई का बोलने का अर्थ गलत नहीं था, उसमें क्लिप वो गलत जो डाला था, आगे की लाइन जो कटी थी वो समझाने की कोशिश किए थे, और उस चीज़ को बात का बतंगड़ बना दिया गया। मैं यही चाहूंगा कि अगर नट बोल्ट वाला पे क्या कहना चाहेंगे, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर सपोज घर का बच्चा से अगर कोई गलती हो जाए तो क्या आप उसको जान मरेंगे? प्यार मतलब खेसारी ने गलती की, गलती उसको नहीं बोलेंगे, गलती हम उस क्लिप को बोलेंगे जिसने वायरल किया था, वो जुबान की गलती थी, क्योंकि वो पूरा अगर क्लिप आया होता तो शायद इतनी तकलीफें नहीं बढ़ती और इतने माहौल गर्म नहीं होते, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा की गई, जानबूझ के बदनाम करने की साजिश है, हो सकता है कि ये साजिश मैं भी मान सकता हूँ। अगर आप लोग पता नहीं करना चाहते किसने की, मैंने पूरा कोशिश किया, तब वो लास्ट में आया, मैंने उससे उनसे जिस आदमी से मेरी बात हुई थी जिसने बोला कि भैया, उसने लाइव आके भी बोला था कि मेरी गलती है, मैं पूरा वीडियो नहीं डाला, उसने मुझे बताया था कि भैया गलती हमारे से हुई है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये प्यार है, और मैं नहीं चाहूँगा कि भोजपुरी के कोई भी अगर किसी से गलती हो जाती है तो उस चीज़ को छुपाना चाहिए, उस चीज़ को आपस में एक बच्चा समझ के माफ़ करना चाहिए। और मैंने तो बचपन से हमेशा जोड़ने का काम किया, मैंने कभी तोड़ने का काम किया नहीं है। हाँ, अगर खेसारी भाई गलत किए हो या जो भी गलत करेगा तो मैं ज़रूर सामने आऊँगा, ऐसा नहीं कि मेरा व्यक्तिगत किसी से, सबसे मेरा व्यक्तिगत अच्छा रहता है, मैं सबको लेकर चलता हूँ, और जहाँ गलत लगेगा वहाँ मैंने बोला है और हमेशा बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।